हेलो गाइस, माय सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अलग लेवल पे जाने वाला है और चैप्टर शुरू हो चुका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और ये साइंस लेने वाले इन बच्चों की जिंदगी का एक बेसिक हो सकता है, ध्यान रखना ये चैप्टर। तो ट्वेल्थ वाले बच्चों, आप बाकी चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, या अच्छे पढ़े, डेप्थ में पढ़े नहीं पढ़े, बट अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपका बेसिस कमजोर है तो आप लोग आगे बहुत दिक्कत फेस करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर चैप्टर ध्यान रखना। मैं एक सिंपल चीज समझा दूं। मैं 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल चैप्टर, कक्षा 11th का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर एंड जेनेटिक्स के 11th एंड 12th चैप्टर, ये चार चैप्टर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब कुछ आपस में को रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब मैं जो आज कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ, कक्षा 12 के बच्चों का ये चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप जेनेटिक्स समझते हैं, उससे पहले आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो बेसिक्स जिन बच्चों को पता नहीं है वो इस वीडियो को ज्वाइन करें या उन सारे बच्चों को वीडियो पहुंचाएं जिन बच्चों को कक्षा 11th का न्यूक्लिक एसिड जो कॉन्सेप्ट छूट गया था। और ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए, 11th एंड 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 11th कक्षा में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आए तो मैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं और बहुत ही इजी। एक बार आपके भेजे में घुस गए ना, वादा करता हूं दोबारा कभी जिंदगी से आपके मॉलिक्यूलर लाइफ से अलग नहीं हो पाएगी। आपके खून के अंदर मैं पूरा मॉलिक्यूलर भर दूंगा, ऐसा मेरे पे बिलीव आप लोग कर सकते हैं। और इतनी जोश और ताकत के साथ जो मेरे में भरा हुआ है वो आप पे भर दूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि हाँ, ये चैप्टर बहुत ही मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक हमारे पास में आज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या वर्ड बोला? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आपको क्या करनी है, इनहेरिटेंस अगर आपको पढ़ना होगा तो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ना होगा, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीजों को समझना होगा, हमें उसके अंदर घुस के जानना पड़ेगा, के साथ चक्कर के ध्यान रखना, वो पूरा देखना पड़ेगा। तो मुझे इनका जो बेसिक्स, वो मेरे पास में न्यूक्लिक एसिड। क्या मेरे पास में न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है सुन लीजिए, मेरे पास में सिंपल सी सेल है। क्या है मेरे पास में? सिंपल सी सेल है। सेल के अंदर क्या मेरे पास में होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसमें क्या मिलती है हमें? क्रोमेटिन। क्या मिलती है? बहुत सिंपल, मैं इसको अलग करके दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या थी? सेल थी। सेल में क्या था मेरे पास में? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में क्या थी मेरे पास में? क्रोमेटिन। क्या थी? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या थे? क्रोमोसोम। क्या थे? क्रोमोसोम। ओके, और उससे क्या बनता है मेरे पास में? डीएनए, या मैं बोल सकता हूं आरएनए। और ये मेरे पास में क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने वर्ड बोला न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेट हमारे पास में डीएनए हो सकता है, या क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। यहां तक कहानी क्लियर? बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे चैप्टर का बेसिस यहाँ पे लिखा, सबसे ऊपर लिखा मैंने बायोमॉलिक्यूल। क्या वर्ड लिखा है? बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि ध्यान रखना न्यूक्लिक एसिड कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल्स की लिस्ट में मॉलिक्यूल्स में इसका भी एक नाम आता है। ओके, तो मैंने वर्ड लिखा कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को जब डिफाइन करने को बोलूंगा तो क्या डिफाइन करोगे? लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या मैं बोलूंगा पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन, यानी न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी श्रृंखला होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो मेरे पास देखो मैंने यहां बना रखा है एनटीडी, एनटीडी, एनटीडी। ये क्या है? एनटीडी दैट मींस क्या मेरे पास में? न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन है। क्या मेरे पास में? न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन मैंने यहाँ पे बना के बता रखी है। क्लियर कहानी? अब मैंने इस पूरे चेन में से किसको लेना है? इस एक न्यूक्लियोटाइड को लेना है। किसको लेना है? एक न्यूक्लियोटाइड को लूंगा। अब इसके अंदर घुसूंगा मैं, किसके? इस एक न्यूक्लियोटाइड को खोल के देखूंगा इसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग है। तो मेरे को समझ में ये आया, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीजों का बना हुआ है। एक मेरे पास में फॉस्फेट। क्या बोला मैंने? फॉस्फेट आयन, या मैं बोला फॉस्फेट। लिखा दिखा फॉर्मूला का P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH।
कहानी क्लियर। मेरे पास क्या था, मेरे पास फॉस्फेट, ओके क्लियर है कहानी। जबकि दूसरी सर के मेरे पास में था न्यूक्लियोसाइड, क्या था मेरे पास में अगले साइड में न्यूक्लियोसाइड। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आयन जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड। जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म होती है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारा होने क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में यह वर्ड क्या है, साइड है। क्या वर्ड है, साइड है। यहाँ पे वर्ड क्या है, टाइड है। ये क्या है, टाइड है। ये क्या है, साइड। ये क्या है, साइड। ये क्या है, टाइड है। कंफ्यूजन नहीं ना, ओके। चलिए मेरे पास क्या था, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, तो साला ये भी दो लोगों से बना हुआ है। एक बना हुआ पेंटोज सुगर से और एक बना हुआ है नाइट्रोजन बेस से। किससे बना है, नाइट्रोजन बेस से। अब पेंटोज सुगर का चक्कर क्या है, यहाँ पे वर्ड लिखा है पेंटोज सुगर, तो यहाँ पे क्या घुस गए बीच में, कार्बोहाइड्रेट। क्या घुस गया बीच के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में आप लोग पढ़ते रखना फाइव कार्बन चेन। क्या पढ़ते हैं आप लोग, फाइव कार्बन चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटोज। क्या बोलते हैं, पेंटोज। यानी कि ये ध्यान रखना पांच कार्बन की चेन रखने वाले सुगर है। हमारा ग्लूकोज क्या है, सिक्स कार्बन चेन है, क्लियर। यहाँ पे तो मेरे पास पेंटोज सुगर दो, मेरे पास एग्जाम्पल यहाँ पे एक का नाम है राइबो सुगर, एक का नाम है डीऑक्सीराइबोज। भर भर के यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं, भर भर के यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को बनेगा कि राइबो सुगर जब हम लोग आरएनए फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तब ध्यान रखना राइबो सुगर यूज होती है। जब हम लोग डीएनए फॉर्म करते हैं, डीऑक्सी एक्स्ट्रा लगा दो, क्या लगा दो, डीऑक्सी आगे जोड़ दो एक्स्ट्रा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसे बोलते हैं हमारे डीएनए में। डीऑक्सीराइबो सुगर का काम आती है डीएनए में, काम आती है। कहानी क्लियर। इनका डायग्राम अगर आपको बनाना सिखाऊं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे डायग्राम देखो बना हुआ है, मैं डायग्राम अगर आपको लग रहा है तो मैं रफ कर देता हूँ। आपको लग रहा है लोचा, तो मैं डायग्राम रफ कर देता, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ आपको, मैं बनाना सिखाता हूँ। अभी डायग्राम आप खुद सीखोगे, आप डायग्राम खुद बनाना सीखोगे, कुछ नहीं करना है। नाम कितने कार्बन है, पांच कार्बन है ना। चलिए तो मैंने इसे क्या बनाई, ऐसे एक से मैंने इसे बना दिए, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर एंड देन कार्बन नंबर फाइव, बनने यहां तक, ओके। अब बारी है ऐसे इस पर बंबू खींच दो, लाइन खींच दी ऐसी आपने, ओके। अब मैन खेल होगा, इस राइबो सुगर को मैं आगे जाके दो के अंदर बांट सकता हूं, अल्फा एंड बीटा के अंदर। किस बांट सकता हूं मैं, अल्फा राइबो सुगर एंड बीटा राइबो सुगर, ओके। चलिए अभी हम उसको होल्ड कर ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो अब मेरे पास ध्यान रखना, यहाँ पे मेन कहानी अवेलेबल है, कार्बन नंबर एक, कार्बन नंबर एक डिसाइड करेगा सुगर अल्फा सुगर है या बीटा सुगर है। ध्यान रखना अगर OH क्या अवेलेबल है, ऊपर अवेलेबल है, तो क्या होगा, ऑलवेज बीटा। क्या होगा, ऑलवेज बीटा। अरे मैं बोलता हूं हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, इनका बेटा ऊपर तरक्की करें, तो ध्यान रखना बेटा जब भी आएगा इसका मतलब कार्बन नंबर एक पे सुगर कहां होगी, OH कहां होगा, ऊपर होगा। क्लियर कहानी। चलिए और बाकी बचा क्या होगा, H यहां पे, ओके। अब क्या है, कार्बन नंबर दो, कार्बन नंबर क्या है, दो। क्या होता है, दो, दो का मैं कहता डी, डी मतलब डाउन, यानी कि यहां पे क्या लगेगा, OH का लगेगा नीचे। और ये कार्बन नंबर दो पे OH लगाने के बाद मैंने स्टार लगाया है, अब समझाओ स्टार मैंने क्यों लगाया है। फिर क्या आता है, तीन, तीन में क्या होता है, टी, टी फॉर तारे, तारे कहां होते हैं, ऊपर होते हैं, तो क्या लगा दो, OH ऊपर लगा दो, बाकी बचे खाली का टिका दो, H टिका दो, ये लो साहब H, ये H और ये H। यानी लर्निंग चीज ध्यान रखना, आपको याद रखनी है सिर्फ तीन चीजें कि ध्यान रखना पेंटोज सुगर में आपकी राइबो सुगर के अंदर कार्बन नंबर एक पे, क्या बोला मैं, कार्बन नंबर एक ध्यान रखना ये डिसाइड करेगा अल्फा है बीटा है, कार्बन नंबर एक डिसाइड करेगा अल्फा है या बीटा है। अगर OH ऊपर है तो क्या हो गया, वो बीटा हो गया। अगर OH कहां आ गया, नीचे आ गया। अगर मैं बाजू में बना के दिखाऊं यहाँ पे कार्बन नंबर एक दूसरी कंडीशन लेके, ओके, तो ध्यान रखना आपको दिमाग में रखना, अगर OH कहां आ जाएगा नीचे, तो वो क्या ध्यान रखना अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, ये वाला केसेस, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अल्फा वाला केस, ये कौन सा नंबर है, कार्बन नंबर एक वाली पोजीशन है, कार्बन नंबर एक में OH नीचे है तो क्या आ जाएगा अल्फा, ऊपर क्या जाएगा बीटा। दो नंबर पे ध्यान रखना, यही वो डिफरेंस करेगा आपके
डीएनए की राइबो सुगर के अंदर एंड आरएनए की राइबो सुगर में, क्योंकि आरएनए में ध्यान रखना कार्बन नंबर दो पे क्या अवेलेबल है, ओएच, क्या अवेलेबल है, ओएच, जबकि ऐसा किस में नहीं होता, डीऑक्सीराइबोस में ऐसा नहीं होता। अब आपको मैं डीऑक्सीराइबोस की सुगर बनाकर दिखा रहा हूं, सेम कहानी, बहुत सिंपल चीजें हैं। ये मैंने ऐसे पेंटोसिल के बीच में खींच दिया, ओके, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर एंड फाइव, सी एच टू एंड ए ओ एच, बाकी में से लाइने खींच दीजिए, लाइने खींच दी। अब मेरे पास में मुझे क्या बनाना है, अल्फा बनाना, क्या बनाना है, अल्फा, तो अल्फा क्या बोल गया, क्या लगूंगा मैं, ओ एच यहाँ लगा दूंगा, बाकी क्या लगा दू, एच लगा दूंगा। दो नंबर में डाउन क्या आएगा, नीचे, तो यहाँ क्या आएगा, ओ एच, ऐसा आएगा ना, बस यही यहाँ पे गेम है, यही यहाँ पे सारा गेम है। क्या वर्ड लिखा, डी ऑक्सी, डी फॉर डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे कार्बन नंबर दो पे क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, क्या होता है, कार्बन नंबर दो पे ओनली फॉर एच होता है, यहाँ पे ओ एच नहीं होता है, बाकी तारे क्या थे, ऊपर थे ही थे, बाकी जगह क्या लगाना था, एच लगा देना था। तो यहाँ पे भी गेम कहाँ है, दो जगह पे है, एक कार्बन नंबर एक पे, कार्बन नंबर दो पे, यानी डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर दो पे क्या मिलता है, रखना, ओनली फॉर एच मिलता है, जबकि आपके आरएनए में क्या मिलता है, ओ एच मिलता है। मेजर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए नंबर टू ध्यान रखना, जब हम लोग इनकी बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, ध्यान रखना, जब इनकी बॉन्डिंग की अगर हम बात करवाएंगे तब वहां भी ध्यान रखना कार्बन नंबर एक को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, और जब न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन बनेगी तब हमारे पास में इस एच मतलब कार्बन नंबर तीन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। कहां तक कहानी क्लियर। चलिए साहब, तो मेरे पास में क्या चक्कर खत्म हो गया, मैंने पूरा सुगर का चक्कर खत्म कर दिया है, अब किसकी बारी मेरे पास में, नाइट्रोजन बेसिस की, यानी मुझे क्या पढ़ना, नाइट्रोजन बेस पढ़ने। अब नाइट्रोजन बेस मेरे पास में दो प्रकार के हैं, एक मेरे पास में नाइन रिंग, कितने हैं, नौ मेंबर की एक रिंग वाला नाइट्रोजन बेस है, जिसे वर्ड बोलते हैं प्यूरिन्स, क्या बोलते हैं, प्यूरिन। एक होता है पाइरिमिडिन, सिक्स मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर की रिंग अवेलेबल है उसे बोलते हैं पाइरिमिडिन, नौ मेंबर की रिंग उसे बोलते हैं प्यूरिन। अब मेरे पास प्यूरिन में दो बंदे हैं जिसका नाम है एडिनिन, क्या नाम है, एडिनिन, एक का नाम क्या है, गुआनिन, याद रखना इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनिन और गुआनिन, आपको ये झटके से याद हो जाएंगे, ऐसी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल है। माइंड में क्या बनाना, नौ मेंबर की रिंग बनानी, क्या बनानी आपको, नौ मेंबर की रिंग आपको अगर बनानी है तो बहुत सिंपल है, आपको मैं अगर बना के दिखाऊं तरीका यहाँ पे, तो मेरे पास में ये जगह मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे देख के आप लोग ध्यान देना यहाँ पे कि कैसे ध्यान रखना, मैं नौ मेंबर की रिंग बना रहा हूँ, कुछ नहीं करना, बहुत जुगाड़ मेरे पास अवेलेबल है। आप क्या करो, पहले ऐसे बंबू खींच दीजिए, एक ये खींच दिया, और ये इस प्रकार से इसको सेंटर लेके यहाँ खींच दो, खींच दिया आपने ऐसा, नौ मेंबर रिंग बना दी ना, फिर क्या करना है, बहुत सिंपल है, क्या करना है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन, आपको अल्टरनेट करते जाना है, वापस रिपीट करो मेरे साथ में, बोलो स्वीकार करने, ऐसे कार्बन देन नाइट्रोजन, अगेन कार्बन, अगेन नाइट्रोजन, अगेन कार्बन, अगेन नाइट्रोजन, अगेन कार्बन, अगेन नाइट्रोजन, अगेन कार्बन, ऐसे पूरी रिंग में क्या करो, इनको स्कैटर्ड कर दीजिए, कर लिया पूरा अपने देना आराम से यहाँ पे, उसके बाद में इनकी करते नंबरिंग, क्या करते इसकी नंबरिंग, ध्यान रखना इसकी जो नंबरिंग यहाँ पे अवेलेबल है वो नंबरिंग ध्यान रखना, वो आपके पास में किस प्रकार है, एंटी क्लॉक है, किस प्रकार है, एंटी क्लॉक है, यानी आपको यहां से नंबरिंग शुरू करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन सेवन एट एंड नाइन, इस प्रकार इसमें क्लॉकवाइज होगी, कहानी आता क्लियर। अब बाकी ध्यान रखना, सिक्स नंबर क्या लगा ऊपर, क्या लगाना आपको, एन एच टू, क्या लगा दो ऊपर, एन एच टू मॉलिक्यूल लगा दो, बाकी सब कहने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और बाकी जहां पे आप लोग वैलेंस के देख लो, कहीं पे अगर आपको वैलेंस कम पड़ रही है, नाइट्रोजन के पास में तीन बॉन्ड होने चाहिए और कार्बन के पास में चार बॉन्ड होने चाहिए, आप इस प्रकार से वैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग हर एक एडेनिन और ग्वानिन का हम लोग जो है स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखा दिया, रखना कुछ नहीं करना है, आपको पहले रिंग बना देनी है, फिर करना अल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, क्लियर कहानी, बहुत सिंपल है, सेम कहानी ध्यान रखना यहाँ पे अवेलेबल है, सेम मैंने यहाँ पे क्या करा है, ग्वानिन में भी सेम कर रखा है, वही कहानी देखो क्या करके दिखा रहा हूँ वापस आपको मैं,
नौ मेंबर की रिंग है तो नौ मेंबर रिंग बनाओ फटाफट। तो रिंग बना दी मैंने ऐसे पूरी पहले कि भाई फिर की कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन पूरी रिंग बन गई। सेम कहानी फिर से मैंने कहते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग किया, यहाँ पे क्या करना है क्लॉकवाइज करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ध्यान रखना सिक्स नंबर क्या आएगा डबल बॉन्ड वो लगा देना है और दो नंबर के लगाना तो एन एच टू ग्रुप लगा देना है, ये जनरेटर इसमें एक्स्ट्रा अवेलेबल है। यहां तक आने के लिए बाकी सेम करने में यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रकार से रखना पूरे कॉम्प्लेक्स को आप लोग लर्न रख सकते हैं याद रख सकते हैं। यहां तक कहानी के लिए बहुत सिंपल है। चलिए अब चलते मेरे पास में क्या चलते हैं पाइरिमिडीन में। देखो ध्यान रखना यहाँ पे जो बॉन्डिंग के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखना है। नंबर नौ नंबर क्या रखना है आपको नौ नंबर ध्यान रखना, ये नौ नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि जैसे आगे जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो नौ नंबर का जो एच है आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाला है सुगर के कार्बन नंबर एक के साथ में। किसका? नाइट्रोजन बेस का कार्बन नंबर नौ, वो भी किसका प्यूरीन का और सुगर का कार्बन नंबर एक। ध्यान रखना ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है उसके बॉन्ड के अंदर जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। यहां तक आने की है चलते अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मेरे पास में पायरिमिडीन के हमारे पास कॉन्सेप्ट है पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन में तीन कहानी मेरे पास अवेलेबल है साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। कितने मेरे पास में तीन बंदे हैं कौन कौन से साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन है। इनकी भी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है एक ही झटके में आपको भेजे में चढ़ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। देखो मैंने कहते जुगाड़ से बना रखी है ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना के दिखाऊं ध्यान रखना ये साइटोसिन ये यूरासिल और ये थाइमिन है। अगर आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है कुछ नहीं करना फटाफट क्या करो पहले रिंग क्या करना है ना कितने की रिंग है सिक्स मेंबर की रिंग है। चलो फटाफट सिक्स मेंबर बना दो फटाफट जल्दी से। तो लो ऐसे करना है एक ये सिक्स ओके एंड देन अगेन ये सिक्स एंड अगेन ये सिक्स सिक्स रिंग बन गई। सेम कहानी हमेशा कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन हो गया यहां तक। इसके बाद में देख लीजिए आप सबके कार्बन नंबर दो पे देख लीजिए क्या आ रखा है कॉमन वो आ रखा है ना तो सब पे क्या टिका दो ओ ओ ओ टिका दो। अब सबके ऊपर वाले चेक करो क्वेश्चन नंबर चार पे तो बोल इधर भी दोनों में ओ आ रखा है यहाँ एक्सरे क्या रखा है एन एच टू टिका दो बस हो गया पूरा यहाँ पे एन एच टू कहानी क्लियर। अब बाकी जनरेट गए बची वैलेंसी आप लोग कर दीजिए। हाँ एक्सरे यहाँ ये कौन सा यूरेसिल है ना थायमिन है तो थायमिन में एक एक्सरे क्या लगा दो सी एच थ्री आपको लगा देनी है बाकी सब में आपको वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। इस प्रकार ध्यान रखना आप लोग जो है साइटोसिन थायमिन सॉरी थायमिन कौन सा साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी है ये बेसिक्स अगर आपको याद रहेगा तो कल की क्लास में आपको पढ़ने का मजा आएगा समझ में आएगा क्योंकि अब हम क्या करेंगे वापस हमने अब इसको डेप्थ में जाना सीख लिया है। अब मैं क्या करूँगा आपको अगले वीडियो में रखना वापस ज्वाइन कर लूंगा मैं कि नाइट्रोजन बेस और पेंटो सुगर को जोड़ के हम लोग कैसे जो है न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करते हैं। तो जो कल की वीडियो में आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखाऊंगा कि न्यूक्लियोसाइड में मुझे नाइट्रोजन बेस को प्यूरीन एंड पिरिमिडीन को राइबोस और डीऑक्सीराइबोस साथ में जोड़कर किस प्रकार न्यूक्लियोसाइड बनेंगे फिर इन न्यूक्लियोसाइड को वापस में फॉस्फेट को जोड़ के बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा देन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के मैं क्या बनाऊंगा न्यूक्लिक एसिड बना के दिखाऊंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मजा आ रहा है चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।